नमस्ते। आज हम म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। व्हाट इज मीन बाय म्यूकोरमाइकोसिस, ये क्या होता है? ये एक टाइप का फंगस है, जैसे हम अपने घर में देखते हैं जहाँ पे गीली जगह है वहाँ पे आपको कुछ आउटग्रोथ्स आपको दिखने में आएगा, उसको ही हम फंगस बोलते हैं। या कुछ डब्बे में हम कुछ जो खाने की चीज़ें हम भूल गए और वहाँ पे कुछ गीलापन है, तो वो गीलापन और उष्ण जो एयर है उसकी वजह से ये फंगस वहाँ पे ग्रो होता है। तो हम दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि उसमें फंगस ग्रो हो गया, तो ये बहुत फास्टली बढ़ता है। तो इसलिए ये म्यूकोरमाइकोसिस का डर ये है कि ये जब अपने नाक से होते हुए साइनस में बढ़ता है तो इसका बढ़ने का रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो इंजेक्शंस और ऑपरेशंस, तो उसने जो जो डैमेज किया होता है वो सब निकालना पड़ता है और वो आगे ना फैले इसके लिए इंजेक्शन लेना ज़रूरी होता है। ये जो ट्रीटमेंट का भाग हो गया, लेकिन ये किसको होता है? ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनका देह बल कम है, जिनकी शक्ति कम है, उनको होने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा होते हैं। COVID-19 से जो पेशेंट अभी अच्छे हुए हैं उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, तो सबसे ज़्यादा वो देखने में मिलते हैं। बाकी और भी जो डिसीज़ है जो लोगों को कि जिसके लिए उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, ये उसको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं हम, तो ये कोमॉर्बिड जो पेशेंट है उसमें भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो डिसीज़ का कंट्रोल अच्छी तरह से, और जिसमें लो इम्यूनिटी होती है उसको भी ये डिसीज़ होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें भी इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो स्टीरॉयड के ऊपर है, कोई डिसीज़ की ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें भी ये डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डिसीज़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट है इम्यून बढ़ने के लिए वो हमको लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इम्यूनिटी बढ़ने के बाद में इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये डिसीज़ इम्यूनिटी कम होने की वजह से बहुत फास्टली उसमें ग्रो होता है। और हम इसके और भी कारण देखें तो उसमें अभी जो डेली हम मास्क यूज़ कर रहे हैं उसका हाइजीन, मीन्स हम मास्क का जो हाइजीन है मीन्स डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, डेली हम वो मास्क चेंज करते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क यूज़ करते हैं या और कोई मास्क है वो दिन भर हम यूज़ करते हैं, तो ये जो कालावधि है मास्क यूज़ करने का सुबह से लेकर शाम तक, तो कंप्लीट जो नोज़ का एरिया है या मुंह का एरिया है ये कम्प्लीटली ढक जाने की वजह से अंदर का जो माहौल है नोज़ के अंदर का, तो इसमें उष्मा रहता है ज़्यादा देर बंद होने की वजह से। तो इसलिए वहाँ जो फंगस को जो वार्म एनवायरनमेंट चाहिए वो उसको मिल जाता है। तो इसलिए हमको फंगस टालने के लिए हमको एवरी 1.5 आवर आपको मास्क निकाल के 10 मिनट के लिए फुल रेस्पिरेशन नॉर्मल टेम्परेचर, अपने को नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है, उसके बाद में ये फंगस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो दिन भर मास्क यूज़ करते हैं उन्होंने हर 1.5 घंटे के बाद में 10 मिनट के लिए मास्क निकाल के नॉर्मल रेस्पिरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ का टेम्परेचर कम होने के वजह से वो जो उसका माहौल है, फंगस का जो माहौल रखता है वो माहौल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इसलिए उसका आगे बढ़ना रुक जाता है। तो इसलिए ये मास्क जो है वो डिस्पोजेबल यूज़ करना, ट्रिपल लेयर मास्क अच्छी तरह से धोकर यूज़ करना, तीसरा जो है मास्क का टाइम कितने देर तक हम पहन सकते हैं उसका, ये भी प्रिवेंटिव के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात, हम नेज़ल जो एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी अच्छी तरह से आयुर्वेद से रख सकते हैं। उसके लिए नाक में घी के, गाय के घी के 2-2 बूंद आप डाल सकते हैं, या छोटे बच्चों में और बड़ों में आप यही गाय का घी 8-8 बूंद दोनों नाक में दिन में एक बार सुबह या शाम डाल सकते हैं। इसकी वजह से म्यूकोसा का जो नरिशमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरह से बदल जाता है और जो एनवायरनमेंट फंगस के लिए चाहिए वो फंगस को मिलता नहीं है।
यानी कि हम पहले भी हम ऐसे ही घूमते थे, तो म्यूकर हमारे नाक में पहले भी जाता था, लेकिन अभी की जो पोजीशन है, क्योंकि हम मास्क यूज़ करते हैं, मास्क की वजह से वहाँ का टेम्परेचर अल्टर होने की वजह से उसको वो एनवायरनमेंट मिलता है कि वो ग्रो हो सके, इसलिए हमने हर 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट मास्क निकाल के नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के लिए कहा है। गाय का घी और खोबरे का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से म्यूकोस का नरिशमेंट होने के बाद ये काफ़ी हद तक म्यूकोस को बढ़ने से रोकता है। इसलिए ये जो म्यूकोस माइकोसिस के जो स्पोर्स है उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला तो ही फंगस आ सकता है, वरना हम ये खबरदारी लेते हैं तो इसके बाद आपको कभी भी म्यूकस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये अनहाइजीन मास्क यूज़ करने से, यानी कि हम एक मास्क 2-3 दिन कंटिन्यूस पहनने से भी होता है। इसमें एक और बात है, जैसे हम मास्क यूज़ करते हैं तो मास्क यूज़ ट्रिपल लेयर या और जाड़ा मास्क होने की वजह से जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, हम उसको हम निश्वास बोलते हैं, तो ये निश्वास की वक्त जो एयर अंदर से आती है वो वेट रहती है, वो वेट रहने के कारण मास्क में वो गीलापन हो जाता है। फंगस के लिए जो कोई एनवायरनमेंट लगता है वो उसके लिए ये एनवायरनमेंट फेवरेबल रहता है, इसलिए हमने मास्क 1-1.5 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए निकालने को बोला है, क्योंकि नॉर्मल एयर उसको लगने के बाद वो वेट जो मास्क हो जाता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो इसलिए जो फेवरेबल वातावरण है फंगस के लिए वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है। इसलिए हम ये डिसीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमको खबरदारी लेनी है। और ये हो गए मास्क के लिए, और हमने जो बोला है कि खोबरे का तेल और गाय का घी डेली डालने से वहाँ का जो नरिशमेंट है म्यूकोसों का वो अच्छी तरह से रहने के लिए अच्छी हम यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से जो फंगस है वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता है, इसलिए म्यूकोर माइकोसिस नहीं होने के लिए ये हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।